हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज हमारे पास जर्मन कार के पे आई है स्विफ्ट डिज़ायर। पेट्रोल की गाड़ी है ये, इसमें सीएनजी भी लगी हुई है। और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, ये गाड़ी एक तो ज़्यादा पिकअप नहीं ले रही थी। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी इसमें एसी जब ऑन करते थे, एसी ऑन करने पर गाड़ी में बिल्कुल पिकअप नहीं थी। फ्यूल की इसकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। गाड़ी बहुत ज़्यादा तेल खा रही थी, सीएनजी भी बहुत ज़्यादा सीएनजी खा रही थी, पिकअप बिल्कुल भी नहीं था। चेक लाइट गाड़ी के अंदर ऑन है और गाड़ी के अंदर मल्टीपल मतलब कि इश्यूज थे। और कस्टमर का कहना ये है कि जब भी वो मतलब ये गाड़ी टैक्सी गाड़ी है, जब भी वो किसी मतलब कि पैसेंजर को बिठा के लेके जाते थे, एसी वेसी ऑन करते थे, ज़्यादा लोड होता था तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती थी। कहीं चढ़ाई वगैरह आ जाती थी तो गाड़ी बिल्कुल दब जाती थी। तो सबसे पहले गाड़ी को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए मैंने टूल नीचे हार्डवेयर लगा रखा है और यहाँ पर गाड़ी स्कैन हो रही है। स्कैन होने के बाद जो भी फॉल्ट कोड होगा उसके ऊपर अपने काम करेंगे। और अगर आपकी कोई भी स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर है, नॉर्मल स्विफ्ट है, टैक्सी गाड़ी है, या नॉर्मल गाड़ी है, या कोई हुंडई की गाड़ी है, आप लोग आइए दिल्ली सैनिक फार्म में। हमारी वर्कशॉप है द जर्मन कार केयर। गूगल पे आप सर्च करेंगे, नीचे स्क्रीन पे नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, वहाँ से नंबर ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, स्कैनिंग के लिए कोई भी काम है आपकी गाड़ी में, या मैकेनिकल कोई भी काम है, आपको आना है द जर्मन कार केयर दिल्ली सैनिक फार्म में। अभी इस गाड़ी को एकदम रॉकेट बना देंगे, चेकलाइट वैकलाइट इसकी गायब कर देंगे। हम सिर्फ लाइट ही डिलीट नहीं करते, उसके ऊपर काम भी प्रॉपर करते हैं। तो अभी देखते हैं, ये गाड़ी अभी स्कैन हो रही है, इसके सारे मॉड्यूल स्कैन करेंगे। देखिए स्कैन की रिपोर्ट आ गई है। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में ही फॉल्ट आ रहे हैं, सिर्फ चार फॉल्ट हैं, देखते हैं क्या है। देखिए दो फॉल्ट तो इसमें करंट के आ रहे हैं, एक करंट में आ रहा है, दो हिस्ट्री में आ रहे हैं। जो करंट फॉल्ट है वो है इसका वेपरेटिव पर्ज कंट्रोल वॉल सर्किट का, मतलब जो पर्ज कंट्रोल वॉल होता है वो क्या करता है, जैसे अपने एसी ऑन करते हैं तो इंजन के आइडल जो आरपीएम होते हैं उसको हल्का सा बढ़ा देता है। तो एसी के हिसाब से इंजन के ऊपर जो लोड पड़ता है तो आरपीएम को स्टेबल करके रखता है। तो पर्ज कंट्रोल वॉल का इसमें फॉल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब पर्ज कंट्रोल वॉल का कहीं सर्किट लूज होगा। तो अभी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फिल्टर की हाउसिंग होती है इसके पीछे ये पर्ज कंट्रोल वॉल लगा होता है। तो हमने जैसे ही चेक किया तो देखा है इसकी वायर वगैरह टूटी हुई है कपलर की, और ये कपलर पहले भी किसी ने जुगाड़ कर रखा है। तो ये देखिए ये कपलर जुगाड़ कर रखे, अभी हम इसका नया कपलर रिप्लेस करेंगे। और कपलर रिप्लेस करने के बाद इसके फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि दोबारा लाइट आती नहीं आती। तो हमने कपलर रिप्लेस कर दिया गाड़ी का। अभी इसको एक बारी इग्निशन ऑन करते हैं और यहाँ से क्लियर डीटीसी करेंगे। क्लियर डीटीसी करने के बाद इसके डीटीसी क्लियर होने चाहिए। तो नो फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड, सारे डीटीसी क्लियर हो गए हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद गाड़ी की लाइट जानी चाहिए। तो गाड़ी स्टार्ट है, चेक लाइट चली गई है, आरपीएम एकदम स्टेबल है गाड़ी के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कई बार प्रॉब्लम छोटी सी होती है। अभी ये कपलर सॉर्ट 120 रुपये का कपलर आया है, सारा का सारा, और गाड़ी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। और जबकि इससे प्रॉब्लम इतनी बड़ी आ रही थी कि ना तो ये रेस ले रही थी, और भी मल्टीपल इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, फ्यूल इकोनॉमी एकदम गिर गई थी। तो आपकी गाड़ी का ऐसा कोई भी काम है, आपको आना है जर्मन कार के न्यू दिल्ली में सैनिक फार्म में। हमारी वर्कशॉप है साकेत मेट्रो के पास में ही पड़ता है। तो आप आइए, आपकी गाड़ी का काम अच्छे से किया जाएगा। और नीचे नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है और गूगल की लोकेशन भी मैं नीचे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का हमारा पेज है जर्मन कार केयर दिल्ली के नाम से, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका भी वहाँ पर कमेंट में जरूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अच्छी सी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।